Principles of Systematics Module 213 Prokaryotes and Eukaryotes. Prokaryotes are the organisms which do not have well-defined nucleus. And eukaryotes are the organisms which have well-defined nucleus. Their nucleus is bounded by a nuclear membrane. Basic difference agar hum prokaryote aur eukaryote ke andar dekhen to prokaryotes are the organisms made up of cells that lack cell nucleus or any membrane encased organelles. Ek to inke andar jo organelles hain wo absent hoti hain aur jo inka nucleus hai uske gird koi nuclear membrane nahi hoti. Inka jo nuclear material hai it is directly submerged into the cytoplasm. Ab agar hum eukaryotes ki baat kare to eukaryotes are the organism made up of cells that possess a membrane bound nucleus. Pehli baat to ye ki iska jo nucleus hai uske gird membrane hai. Dusra, that hold genetic material as well as membrane bound organelles. Uske alawa inke andar membrane bound organelles bhi maujood hain. To ye basic difference hai prokaryote aur eukaryote ka. इस स्लाइड में प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का डिफरेंस दिखाया गया है. सबसे पहले अगर हम डीएनए की बात करें तो प्रोकैरियोट के अंदर डीएनए नेकड है. नेकड से क्या मुराद है, इनका जो डीएनए है उसके गिर्द कोई कवरिंग मौजूद नहीं है, जबकि यहां पे जो डीएनए है इट इज बाउंडेड बाय ए प्रोटीन. जो प्रोकैरियोट का डीएनए है वो प्रोटीन से बाउंडेड नहीं है. उसके अलावा यहां पर जो डीएनए है वो सर्कुलर है, जबकि यहां पे जो डीएनए है वो लीनियर है. उसके अलावा प्रोकैरियोट के अंदर यूजुअली नो इंट्रॉन, जबकि यूकैरियोट के अंदर इंट्रॉन्स मौजूद होते हैं. उसके अलावा अगर हम ऑर्गेनेलीज की बात करें तो जो प्रोकैरियोट्स हैं उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं है प्रॉपर, उसके बाद नो मेम्ब्रेन बाउंड, उसके बाद इसका जो राइबोसोम है वो 70S है. जबकि हम यूकैरियोट्स की बात करें तो यहां पे इनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद है और वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंडेड है. उसके अलावा इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं. इनका जो राइबोसोम है वो 80S है, जो कि प्रोकैरियोट के अंदर 70S था. उसके अलावा अब अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो जो प्रोकैरियोट्स हैं प्रोकैरियोट के अंदर रिप्रोडक्शन बाइनरी फ्यूजन के जरिए है और इनका सिंगल क्रोमोसोम हैप्लॉइड क्रोमोसोम है. यहां पे माइटोसिस और मियोसिस दोनों मौजूद हैं और इनका जो क्रोमोसोम है वो पेयर्ड फॉर्म के अंदर है, यानी ये डिप्लॉयड होते हैं. उसके अलावा साइज की अगर हम बात करें तो इनका जो साइज है वो बहुत छोटा होता है, इनका साइज कंपैरेटिवली बड़ा होता है. इसी तरीके से इस स्लाइड के अंदर भी प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का कंपैरिजन दिया है. यहां पे न्यूक्लियस एब्सेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट, यहां न्यूक्लियस एब्सेंट या प्रेजेंट से मुराद है कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. उसके अलावा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज यहां पे एब्सेंट है, यहां पे मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है. उसके अलावा सेल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये यूनिसेल्युलर है, जबकि ये मोस्टली मल्टीसेल्युलर है, बहुत कम है जो यूनिसेल्युलर है. उसके अलावा सेल साइज इनका छोटा है, इनका सेल साइज बड़ा है. उसके अलावा अगर हम इनकी कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये सिंपल ऑर्गेनिज्म है, जो यूकैरियोट्स हैं दे आर मोर कॉम्प्लेक्स. इसी तरीके से अगर हम डीएनए की बात करें तो इनका प्रोकैरियोट का जो डीएनए है वो सर्कुलर है, जबकि यहां पे जो यूकैरियोट्स हैं इनका जो डीएनए है वो लीनियर है. अब अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स के अंदर बैक्टीरिया शामिल है, जबकि जो यूकैरियोट्स हैं इसके अंदर एनिमल्स भी आते हैं, प्लांट भी आते हैं, फंगस भी शामिल है और जो प्रोटिस्ट हैं वो भी इनके अंदर शामिल हैं. तो बेसिकली प्रोकैरियोट्स क्या हैं? प्रोकैरियोट्स आर दोस ऑर्गेनिज्म्स व्हिच डू नॉट हैव बाउंडेड न्यूक्लियस. देयर न्यूक्लियस इज नॉट बाउंडेड बाय ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनका जो न्यूक्लियर कंटेंट है इट इज डायरेक्टली प्रेजेंट और डायरेक्टली सबमर्ज इनटू द साइटोप्लाज्म. इसकी हमने एग्जाम्पल देखी, इसकी एग्जाम्पल बैक्टीरिया है, जबकि जो यूकैरियोट्स हैं दे हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. इसकी जो न्यूक्लियस है इट इज बाउंडेड बाय ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. इसकी एग्जांपल प्लांट्स, एनिमल, फंगस और प्रोटिस्ट हैं.